हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो, लास्ट क्लास में हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, उसका मैं फंडा भी आपको सिखाऊंगा। और BCl3 का हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस रिएक्शन के थ्रू हम लोग हाइड्रोलिसिस भी सीखेंगे और रिएक्शन और प्रोडक्ट भी सीखेंगे, ठीक है? और फिर यही लॉजिक हम लोग और बहुत सारी रिएक्शन पे लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉजिक सेम रहता है, रिएक्शन चेंज होती है। तो इनऑर्गेनिक का जो फालतू का डर है ना, उसको हटाओ, ठीक है? क्योंकि कंपाउंड्स बहुत सारे आएंगे। सर, इसकी रिएक्शन इससे हुई तो क्या हुआ? तो मेन बात है कि लॉजिक समझ में आ गया तो काफी सारी चीजें तो आप खुद से डिराइव कर पाओगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन हम लोगों को स्टार्ट करना है, पहला दैट इज BCl3+ वाटर गिव्स वाटर। अब देखने में रिएक्शन बड़ा सिंपल सा लगता है, बट इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है, तो ध्यान से सुनना। और टॉपिक का नाम मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। तो पहली बात तो ना, टॉपिक के नाम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये सेम टॉपिक आपको याद है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मेन मतलब पता क्या है? कुछ लोग इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझो, पहले ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर किसी भी रीजन से ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो मैं इस प्रोसेस का नाम रखता हूं हाइड्रोलिसिस। देखो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, और हाइड्रो मतलब पानी बेसिकली, तो पानी के बॉन्ड का टूट जाना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो मैंने BCl3 में पानी डाला और BCl3 की वजह से पानी का बॉन्ड टूट गया, तो वजह तो बाद में देखेंगे, मेन बात यह है कि पानी का बॉन्ड टूटा ना। तो अगर पानी का बॉन्ड टूटा तो आप उसको बोलो हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है? अब सिंपल याद रखने वाली पहले चीज समझते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। आप ऐसा सिंपल सिंपल इमेजिन करो कि पानी के अंदर भाई H+ भी होता है और OH भी होता है, ठीक है? ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, तो ध्यान दो। BCl3 में क्लोरीन के ऊपर -1 ईच है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप एक काम करो, आप 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ले आओ, तो आपको 3 H+ मिलेंगे और 3 OH मिलेगा। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस, एच के ऊपर प्लस, तो एक तो आप HCl निकाल दो, 3 भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ गए। अब इधर से बचा बोरॉन, जिसके ऊपर +3 चार्ज होगा, और इधर से बचे 3 OH, तो ये बन गया BOH होल थ्राइस। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ही H3BO3 है, बोरिक एसिड, वो वेरी वेरी फेमस, इसी का नाम ऑर्थो बोरिक एसिड भी है। तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे कि कब ऑर्थो बोलते हैं, कब मेटा बोलते हैं, कब पायरो बोलते हैं, तो वो सब डिस्कशंस बाद में आएंगी, ठीक है? तो फिलहाल बोरिक एसिड का प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर BCl3 का हाइड्रोलिसिस हुआ तो बोरिक एसिड बना, पहली बात तो ये समझ लो। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं, ठीक है? तो जिसको लिखना जल्दी से लिख लो, वीडियो पॉज करके, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो, तो अब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्लास की डिस्कशन थोड़ी सी इसमें यूज होगी। आपको याद होगा कि हमने थोड़ा बैक बॉन्डिंग टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मैंने आपको ये बताया था कि यार बोरॉन की जरूरत फ्लोरीन तो पूरी कर देता है, बट फिर क्लोरीन उतनी पूरी नहीं कर पाता, ब्रोमीन उससे भी कम पूरी कर पाता है, क्यों? साइज डिफरेंस। अब आप ये समझो कि बोरॉन के पास अपना वेकेंट ऑर्बिटल तो है, तो अब अगर क्लोरीन अपना लोन पेयर किसी रीजन से नहीं दे पा रहा है या कम दे पा रहा है, तो इधर से आया पानी, पानी के ऑक्सीजन के पास होते 2 लोन पेयर, अपना एक लोन पेयर उसने बोरॉन को दे दिया, ये दिया जा सकता है, राइट? तो बोरॉन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया। ये बात अंडरस्टैंडेबल है, इजी है। इस डायग्राम को जल्दी से बना लो, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करूंगा। तो अब मैं थोड़ा सिंपल तरीके से इसको लिखता हूं। तो वाटर ने अपना लोन पेयर बोरॉन को दे दिया, ठीक है?
अब जो लोन पेयर देने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हम लोगों ने पहले एक वीडियो में देखा हुआ है, चलो मैं वापस बता देता हूं। अगर एक एटम ए ने बी को अपना लोन पेयर दिया एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट जैसा ही होता है, ठीक है। बस फर्क इतना सा आ जाता है कि जहां पे एरो का हेड है ना, ये वाला एरो का हेड, एक सेकेंड रुको, ये वाला, इसको मैं हेड बोलता हूँ, एरो हेड, और इसको मैं टेल बोलता हूँ। तो जहां पे एरो हेड है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां पे एरो का टेल है वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस चीज को ऐसे समझो कि ये BCl3 था, इस बोरॉन पे नेगेटिव आ चुका है और इस ओ पे पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। अब असली गेम समझना, क्योंकि अगर आपको ये गेम समझ में आ गई ना, तो वैसे तो हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बट आपको ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे फंडे समझ में आ जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे वीडियोस बना के डालूं, ठीक है, जिसमें वाटर का एडिशन और ये सब आपने देखा होगा ना, मार्गोनिक ऑफ एडिशन, बहुत सारी चीजें। तो लॉजिक वही है, जब भी ऑक्सीजन, ध्यान से सुनो, चाहे मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ चाहे मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, सब फंडे सेम। जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पर किसी को डोनेट करेगा, इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, जो कि ऑक्सीजन को पसंद नहीं है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, यार उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, पॉजिटिव नहीं। अब ऑक्सीजन ने सोचा कि यार मैंने अपना लोन पेयर बोरॉन को दे तो दिया, मान लो उसकी हेल्प करने के चक्कर में, बट उसके चक्कर में मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पता क्या करेगा, अब वो किसी कमजोर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और वो कमजोर पता कौन है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को भगा देगा एज H+। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बाकी बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उसको दो बॉन्ड बनाने होते हैं, वो सब ठीक है। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, आइडियली स्पीकिंग इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओ की तरफ शिफ्ट हो गए, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में भगा दिया गया। बेचारे हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, अगर कोई उसको छीन लेगा तो वो तो H+ की फॉर्म में जाएगा ना, और इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। ये पता है आपको, H+ का दूसरा नाम है प्रोटॉन, और इसीलिए HCl जैसे एसिड जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रोटिक एसिड्स। H2SO4 को बोलते हैं डाई प्रोटिक एसिड, भाई दो प्रोटॉन वाला ना, दो H+। तो इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग ऑर्गेनिक में करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल ऑक्सीजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉन छीन लिया, किससे, हाइड्रोजन से। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा, उससे उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो भैया H+ निकला इधर से। तो एक चीज समझ लो, H+ निकल गया। फिर इधर से क्या हुआ, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखा क्लोरीन ने, तो क्लोरीन को लगा यार निकलने का सही मौका है, तो क्लोरीन ने बोरॉन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया और क्लोरीन Cl- फॉर्म में निकल गया, ठीक है। पहले क्लोरीन क्यों नहीं निकल रहा था, पहले क्लोरीन ये सोच रहा होगा कि यार बोरॉन बेचारे के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं उसका इलेक्ट्रॉन छीन के चला जाऊंगा तो उसको और दिक्कत हो जाएगी। बट जैसे ही क्लोरीन ने देखा कि बोरॉन के पास अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो फिर क्लोरीन लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर से निकला Cl-, उधर से निकला H+, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई HCl निकल गया। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि HCl निकला, तो वो HCl ही है। वैसे हम सबको पता है कि HCl एग्जिस्ट्स एज H+ एंड Cl-, ठीक है। अगर आप वाटर में एडिशन कर रहे हो ना, तो वाटर में HCl जुड़ा थोड़ी रहता है, वो तो एक मतलब पोलराइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, बट फिर भी हम लोग लिखने के लिए उसको बोल देते हैं कि भाई HCl जुड़ा हुआ, तो HCl तो निकलता हुआ दिख गया। अब साथ में देखो क्या हुआ, यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन कौन सा बॉन्ड जुड़ा। तो देखो यार, ये वाला बॉन्ड टूटा,
और ये वाला बॉन्ड टूटा, बट जो नया बॉन्ड बना है वो है बोरॉन के साथ ओ एच का बॉन्ड। तो इफेक्टिवली पता क्या बन गया है, जगह थोड़ी कम है यहाँ पे, तो एक सेकेंड ध्यान से देखते रहना। ये दो क्लोरीन है और एक ओ है और एक ओ के साथ एक एच जुड़ गया, ठीक है। तो ये वाला ओ एच जुड़ गया है बोरॉन के साथ और वो वाला एच टूट गया। तो बेसिकली स्पीकिंग यहां पे क्या हो रहा है, सी एल गया और ओ एच आ गया, ये बात आपको दिखी। तो पहले बी सी एल थ्री था, अब एक सी एल की जगह एक ओ एच आ गया है। अब अगर मैं यही स्टेप तीन बार कर दूं तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके दिखाता हूं। तो बेसिकली स्पीकिंग क्या हो गया, बोरॉन के पास तीन क्लोरीन हुआ करते थे, जब आपने पानी डाला तो ऑक्सीजन ने लोन पर उसको दिया, पूरा प्रोसेस जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझा दिया है। तो क्लोरीन हटा और ओएच आ गया। अब अगर मैं वापस पानी डाल दूं तो एक और सीएल हट जाएगा, एक और ओएच आ जाएगा, फिर मैं वापस पानी डाल दूंगा, तो मैं दो बार ऐसा करूंगा, तो दो पानी डाल दिए मैंने, ठीक है, टू टाइम्स आई हैव रिपीटेड द रिएक्शन। सो इवेंचुअली सारे क्लोरीन धीरे धीरे हट जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा बी ओ एच होल थ्राइस, ठीक है। और बी ओ एच होल थ्राइस को ही बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड भी इसका नाम है, बोरिक एसिड भी इसी का नाम है, सो यू नीड नॉट टू वरी, दोनों ही सेम नाम है। तो मेन बात यह कि बोरिक एसिड इससे बनता है, ठीक है। अब सेम प्रिंसिपल पे बहुत सारी और प्रोसेसेस आएंगी, तो आई होप आपको हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया होगा। अब इसी हाइड्रोलिसिस का एप्लीकेशन मैं कार्बन फैमिली के भी कुछ कंपाउंड्स पे आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो पी ब्लॉक चल रहा है, हम लोग बोरॉन फैमिली की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, बट जो जो चीजें कनेक्टेड है ना, मैं साथ साथ करता रहूंगा। जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में याद होगा, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने बोरॉन के साथ साथ कार्बन फैमिली का भी थोड़ा डिस्कशन किया था। तो अभी BCl3 का हाइड्रोलिसिस अगर आपको समझ में आ गया, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कुछ और कंपाउंड्स के लिए आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो याद से देख लेना। चलो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।